कंप्यूटर कोर्स के दूसरे दिन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मुकेश। आज हम देखेंगे कि कीबोर्ड का इस्तेमाल कैसे करें, तो चलिए देखते हैं। कीबोर्ड। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। यह टाइपराइटर के कीबोर्ड की तरह होता है तथा इसमें किसी भाषा के सभी अक्षर अथवा अंक समतल प्लेट पर अंकित होते हैं, जिससे किसी भी की को दबाकर सूचना या अक्षर प्रविष्ट किया जाता है। कीबोर्ड के कीज को हम इन पांच भागों में बांट सकते हैं: टाइपिंग कीज, कंट्रोल कीज, फंक्शन कीज, नेविगेशन कीज और न्यूमेरिक कीपैड। चलिए अब सीखते हैं फंक्शन कीज के बारे में। ये कीज कीबोर्ड के ऊपरी तरफ स्थित होती है तथा ये F1 से लगाकर F12 तक सीरीज में होती है। ये कीज हर प्रोग्राम में अलग अलग प्रकार से काम करती है। सबसे पहले लेते हैं F1 की। F1 के प्रयोग से आप, जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और आपको उस प्रोग्राम से रिलेटेड हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत है, तो इस F1 की को प्रेस करके आप हेल्प एंड सपोर्ट ओपन कर सकते हैं। F2 की। इस की की मदद से आप किसी भी फोल्डर का नाम बदल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी फोल्डर का नाम बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर पे क्लिक करना होगा और F2 प्रेस करना होगा। F3 की। इस की मदद से अगर आप माई कंप्यूटर में इस की को प्रेस करते हैं तो सर्च विंडोज ओपन हो जाएगी। F4 की। अगर आप इस की को इंटरनेट एक्सप्लोर में प्रेस करते हैं तो नया एड्रेस बार खुल जाता है। F5 की। अगर इस की को आप डेस्कटॉप पे प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर रिफ्रेश हो जाता है। F6 की एंड F7 की। इस की का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। F8 की। इस की का प्रयोग कंप्यूटर में विंडो लोड करते समय किया जाता है। F9 की। इसका भी प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। F10 की। इस की का प्रयोग प्रोग्राम में मेनू बार सक्रिय करने के लिए किया जाता है। F11 की। इस की को दबाने से इंटरनेट एक्सप्लोर को फुल स्क्रीन देखा जा सकता है। F12 की। इस की का प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। एस्केप की। एस्केप की का प्रयोग तुरंत दिए गए आदेशों को समाप्त करने में किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं और अचानक कोई पॉपअप विंडो ओपन हो गया और आप उसे हटाना चाहते हैं, तो आप एस्केप की दबाकर उसे हटा सकते हैं। टाइपिंग कीज। टाइपिंग कीज में ए से लगाकर जेड तक अल्फाबेट्स, कुछ सिंबल्स और कुछ विशिष्ट की होती है, जिनकी मदद से ईमेल, मैसेज और टाइपिंग का कार्य किया जाता है। चलिए अब यूज करते हैं टैब की का। टैब की का यूज वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे आपको एक साथ 4 से 5 स्पेस एक साथ देने हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए टाइप करता हूँ, जैसे लर्न अब मुझे यहाँ पे 4 से 5 स्पेस एक साथ देने, तो उसके लिए मैं टैब का यूज करूंगा। ये देखिए, ये टैब प्रेस किया, 3 से 4 स्पेस एक साथ आ गए। अब कंप्यूटर। अब देखिए, जैसे आप ये देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कंप्यूटर की स्पेलिंग ये गलत टाइप हो गया, तो अगर मुझे इसे हटाना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे बैक स्पेस की का यूज कर सकता हूँ। बैक स्पेस की का यूज किसी वर्ड को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे कि ये देखिए, यह हट गया। और अब कंप्यूटर, वापस टैब और कोर्स। ये देख सकते हैं, लर्न कंप्यूटर कोर्स। तो अब मुझे इस लाइन को नीचे लाना है, तो उसके लिए एंटर का यूज किया जाता है। ये देखिए, मैंने एंटर दबाया और ये नीचे आ गया। अब मुझे यहाँ से ये लाइन पूरी स्मॉल लेटर में लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लर्न
देखिए, अब मुझे यहाँ पे एक स्पेस देना है, तो एक स्पेस के लिए स्पेस बार जो कि ये की देख रहे हैं, इसका यूज किया जाता है। तो ये स्पेस बार मैंने दबाया तो जैसे ये एक स्पेस आ गया, उसके बाद कंप्यूटर और वापस स्पेस बार और कोर्स, ये देखिए ये स्पेस बार की मदद से ये लर्न कंप्यूटर कोर्स टाइप हो गया। अब मुझे इन कीज का फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है, तो मैं वापस नीचे से आरंभ करने के लिए एंटर की का यूज करूंगा और फर्स्ट लेटर यानी कि मुझे एक वर्ड कैपिटल करना, तो एक वर्ड को कैपिटल करने के लिए शिफ्ट की के साथ आप जो वर्ड कैपिटल करना चाहते हैं उसको दबा दें। जैसे कि मैं यहाँ पे ये शिफ्ट दबाऊंगा और उसके साथ ये एल दबा दिया और छोड़ दिया शिफ्ट को, तो ये आप देख सकते हैं एल कैपिटल आ गया। तो अब लर्न वापस स्पेस देने के लिए स्पेस बार, कंप्यूटर का सी मुझे कैपिटल करना है तो शिफ्ट सी और कंप्यूटर वापस स्पेस बार शिफ्ट कोर्स। देखिए अब देख सकते हैं कि हमने शिफ्ट की मदद से इन सब का फर्स्ट लेटर कैपिटल कर दिया। अब वापस आराम से चालू करने के लिए एंटर यूज करूंगा और ये कर्सर नीचे आ गया। अब मान लीजिए कि मुझे ये पूरा सेंटेंस कैपिटल में टाइप करना, तो उसके लिए आप कैप्स लॉक की का यूज कर सकते हैं। ये कैप्स लॉक मैंने ऑन किया और ये सारे कैपिटल हो गए। अब देखिए ये देखिए लर्न स्पेस कंप्यूटर स्पेस कोर्स, ये देख सकते हैं आप ये सारे कैपिटल में हो गए। अब हमने ये सारे सेंटेंस टाइप करने के लिए टैब कैप्स शिफ्ट और अल्फाबेटिक की का यूज किया, जिसमें हमने बैक स्पेस और एंटर का भी यूज किया। चलिए अब मान लीजिए कि इन लाइन में आपको कुछ सिंबल्स भी ऐड करने हैं, तो उनको ऐड करने के लिए आप शिफ्ट बटन दबाएं और जो भी आप सिंबल्स देख रहे हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहे हैं यहाँ पे एक की पे दो दो सिंबल्स है, तो जैसे कि ये देखिए ये कोमा आ रहा है और उसका सेकंड सिंबल अगर आपको लाना है तो उसके लिए शिफ्ट के साथ ये बटन दबाए और ये सिंबल्स आ गया। जैसे कि मुझे ये आ रहा है और इसका सेकंड सिंबल और लाना, शिफ्ट दबाऊंगा और ये आ जाएगा। अब सीखते हैं कंट्रोल कीज के बारे में। कंट्रोल कीज में मुख्यतः कंट्रोल अल्टर विंडोज की शामिल होती है। इनका प्रयोग मुख्यतः अन्य की के कॉम्बिनेशन के साथ किया जाता है एवं शॉर्टकट कीज में भी इसका उपयोग किया जाता है। कंट्रोल कीज का उपयोग करना हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। चलिए अब सीखते हैं नेविगेशन कीज के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम सीखेंगे एरो कीज चलाना। जैसे कि आप ये कीबोर्ड पे देख सकते हैं ये चार एरो कीज है जो चार डायरेक्शन दिखा रही है। इनका प्रयोग कर्सर को दाएं बाएं ऊपर नीचे ले जाने में कर सकते हैं। जैसे कि आप ये देखिए ये यहाँ पे कर्सर है और अगर आपको इसे दाईं ओर ले जाना है और आप माउस का यूज नहीं करना चाहते तो आप ये दाईं डायरेक्शन वाली एरो की को दबाएं। जैसे कि ये देखिए दाईं ओर जा रहा। अगर आप इसे बाईं ओर ले जाना चाहते हैं तो बाईं डायरेक्शन वाला ये एरो कीज दबाएं। ऊपर ले जाना चाहते हैं तो ऊपर डायरेक्शन वाला एरो की दबाएं और नीचे लाना चाहते हैं तो नीचे डायरेक्शन वाला एरो की दबाएं। इस प्रकार आप एरो की का यूज कर सकते हैं। अब सीखते हैं होम और एंड की का प्रयोग करना। होम की का प्रयोग वह किया जाता है जब आप कर्सर को लाइन के शुरुआत में लाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ये कर्सर लाइन के यहाँ शुरुआत में लाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे होम की दबाना होगा। ये देखिए ये होम की मैंने दबाया, ये शुरुआत में आ गया। अगर मुझे इसे अंत में लाना है लाइन के तो मुझे एंड की दबाना होगा। ये देखिए ये एंड में आ गया। इस प्रकार आप
होम और एंड की का प्रयोग कर सकते हैं। पेज अप एंड डाउन की, पेज अप की के प्रयोग से आप फाइल या दस्तावेज के पीछे के पेज पे जाते हैं और पेज डाउन की के प्रयोग से आप फाइल या दस्तावेज के अगले पेज पे आते हैं, जिनका प्रयोग हम एमएस वर्ड में करेंगे। डिलीट की, डिलीट की मदद से आप कर्सर के दाईं ओर वाले अक्षर हटा सकते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये कर्सर यहाँ पे, और मुझे इसके दाईं ओर वाले ये सारे अक्षर हटाने हैं, तो उसके लिए मैं डिलीट की प्रेस करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डिलीट की है, और ये देखिए ये इसके दाईं ओर वाले सारे अक्षर हटते जा रहे हैं। इस प्रकार आप डिलीट की का प्रयोग कर सकते हैं। सीखते हैं न्यूमेरिक कीपैड के बारे में। न्यूमेरिक कीपैड कीबोर्ड के दाईं ओर कैलकुलेटर के समान दिखाई देने वाला कीपैड होता है। उस पे 0 से लगाकर 9 तक गणितीय अंक और कुछ गणितीय चिन्ह भी होते हैं। इसका उपयोग प्रायतः एमएस एक्सेल, कैलकुलेटर और कुछ गणितीय अंकों को टाइप करने में भी किया जाता है। न्यूमेरिक कीपैड का दूसरा उपयोग भी किया जाता है, जिसमें इसका उपयोग नेविगेशन की के रूप में किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये न्यूमेरिक कीपैड है जो कि कीबोर्ड के दाईं ओर है। अगर आपको इसका उपयोग डेटा को टाइप करने में करना है, तो उसके लिए ये नंबर लॉक या संख्यात्मक लॉक का बटन है, जिसे ऑन करना होगा। और अगर आप इसे ऑफ करेंगे तो ये नेविगेशन की के रूप में बदल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम गणितीय अंकों को टाइप करते हैं। जैसे कि ये मैंने नंबर लॉक ऑन किया और ये कर्सर लाया यहाँ पे। अगर मुझे यहाँ पे नंबर टाइप करने, जैसे 0, 1, 2, ये देखिए, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये देखिए, अब हमने यहाँ पे ये गणितीय अंक टाइप कर लिए। लेकिन अगर इसका उपयोग हमें नेविगेशन की के रूप में करना है, तो इसको संख्यात्मक लॉक को ऑफ कर देते हैं। ये देखिए, आप ये नेविगेशन की में बदल जाएंगे। और उसके बाद आप ये, जैसे मुझे ये बाईं ओर लाना है, तो ये मैं बाईं ओर डायरेक्शन वाला बटन दबाऊंगा, और दाईं ओर लाना है तो दाईं ओर डायरेक्शन वाला। इस प्रकार आप इसका यूज़ कर सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। कंप्यूटर बोर्ड से जुड़े और वीडियो के लिए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिखाई गई लिंक पर क्लिक करें, और हमारी रेगुलर अपडेट के लिए हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।